नमस्कार, हेल्दियन किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ चुकंदर की पूड़ी और आलू की सूखी सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये ब्रेकफास्ट और लंच बॉक्स के लिए परफेक्ट रेसिपी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पूड़ी बनाने के लिए सबसे पहले आटा लगा कर रख लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ एक बड़े आकार के चुकंदर को उबाल कर छील लिया है, उसे टुकड़ों में काट लिया है, जिससे कि वो आसानी से ग्राइंडर जार में पिस जाए। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक पेस्ट बना लेंगे। चुकंदर को उबाल कर पीसने से इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाता है। पूड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया 2 कप गेहूँ का आटा, आधी कप सूजी, उसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक और 2 बड़ा चम्मच रिफाइन ऑयल। अब इसमें चुकंदर का पेस्ट डालकर इसका एक हार्ड सा डो तैयार कर लेंगे, जिस तरह हम नॉर्मल पूड़ी का डो तैयार करते हैं। अगर चुकंदर के प्यूरी के अलावा थोड़ी पानी की आवश्यकता पड़े तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो तैयार कर लेंगे। डो को लास्ट में थोड़ा सा तेल डालकर चिकना कर लेंगे और इसे ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। आटा को अभी रेस्ट करने देते हैं, तब तक बना लेते हैं आलू की एक सूखी सब्जी। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 से 4 बड़े आकार के आलू, उबले हुए और टुकड़ों में कटे हुए, आधी कप मूँगफली दरदरी कुटी हुई, 3 से 4 हरी मिर्च, थोड़े से अदरक के लच्छे, 8 से 10 करी पत्ता, एक चम्मच चने की दाल और आधी छोटी चम्मच राई। आलू की सब्जी बनाने के लिए एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालकर अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे राई के दाने। जब दाने अच्छे से चटक जाएं, तो इसमें डाल देंगे चने की दाल। अब इसमें डाल देंगे करी पत्ता, अदरक के लच्छे और हरी मिर्च। इन सारी चीज़ों को डालकर थोड़ी देर तक भूनेंगे। जब ये सारी चीज़ें थोड़ी भुन जाएँ, तो इसमें डाल देंगे कुटी हुई मूँगफली। अब मूंगफली को डालकर इतने देर तक इस तड़के को भूनना है कि मूंगफली थोड़ी क्रिस्पी हो जाए। अब इसमें डाल देंगे उबाल कर रखा हुआ आलू। अब आलू को अच्छे से मिक्स करते हुए तड़कों के साथ लगभग 2 मिनट तक भूनना है। अब आलू में डालेंगे कुछ सूखे मसाले, स्वाद के अनुसार नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर। इन सारे मसालों को डालकर धीमी आंच पर आलू को भुनेंगे करीब 5 से 7 मिनट तक। जैसे जैसे आलू भुनेगा, आलू क्रिस्पी भी होता जाएगा और मसाले का फ्लेवर भी अच्छे से आलू में आ जाएगा। आलू ड्राई न लगे, इसलिए 1 चम्मच पानी को ऊपर से छिड़कते हुए डालेंगे और इसे चलाते हुए भुनेंगे। अब आप देख सकते हैं आलू की सब्जी में एक अलग सा ग्लेज आ गया है और खाने में भी ड्राई नहीं लगेगी। तो बहुत ही आसानी से लगभग 5 से 7 मिनट में आलू की सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए अब चुकंदर की पूड़ी बनाना शुरू करते हैं। इसके छोटे छोटे पेड़े बनाकर इसकी पूड़ियाँ बेलकर पहले रख लेंगे। एक कढ़ाई में तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। अब इसमें डाल लेंगे एक बेली हुई पूड़ी और पूड़ियों को एक कलछी की सहायता से थोड़ा तेल में डुबाकर रखना है। इससे पूड़ियाँ बहुत ही अच्छी फूली फूली बनती हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फूली फूली पूड़ियाँ बन रही हैं। बनाते समय आप 2 बातों का ज़रूर ध्यान रखें। पहली तो आपका आटा बहुत ही अच्छे से गूथा हुआ होना चाहिए और दूसरी तेल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। इन दोनों चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाए तो बहुत ही अच्छी फूली फूली पूड़ियाँ बनकर तैयार होती हैं और खाने में बहुत ही नरम लगती हैं। आलू की सब्जी और चुकंदर की पूड़ी एक बहुत ही अच्छा सा कॉम्बिनेशन है। इसे आप चाहे तो ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं या लंच बॉक्स में डालकर भी ले जा सकते हैं, और सफ़र में ले जाने के लिए तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इस तरह से हम सारी पूड़ियों को तलकर तैयार कर लेंगे। ये दोनों चीज़ें आप एक साथ ज़रूर बनाकर ट्राई करें, बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। चुकंदर का टेस्ट बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन इस तरह से भी हम चुकंदर को खा सकते हैं। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना टेस्टी और हेल्दी एक ब्रेकफास्ट रेसिपी बनकर तैयार है। अगर आप लोगों को मेरी बनाई हुई रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।